दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको टेक्निकल हेल्पर का जो है भर्ती आई हुई उससे संबंधित वीडियोज और आपको जो है ना पेपर आए हुए हैं, जैसे 2018 के जो टेक्निकल हेल्पर के पेपर आए थे उनको मैं हल करवा रहा हूँ। वैसे आगे भी जो है कंटिन्यूस आपको मिलते रहेंगे टेक्निकल हेल्पर से संबंधित सारे वीडियोज और भी। तो मैं आपको जो देखेगा शुरुआत करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आए तो उनको शुरुआत से अपन लेकर के हल कराएंगे पूरा। तो क्वेश्चन पहला नंबर का देखिएगा आपका, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिप्लेटिंग टॉर्क डॉट डॉट का सीधा समानुपाती होता है। तो सबसे पहले है करंट, यहाँ पर ये नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं बताता हूँ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं MI। आप सब जानते हो MI टाइप जो होता है इसका तो मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन का मतलब होता है चल लो है, चल लो है। और चल लो है की बात करता हूँ तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो ये AC व एंड DC दोनों पर कार्य करता है, दोनों का मेजरमेंट करता है। कौन? चल लो इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिप्लेटिंग टॉर्क। अब यहाँ तक तो मैंने मूविंग आयरन के बारे में समझाया, डिप्लेटिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर डिप्लेटिंग की टॉर्क की बात करते थे तो D और ये T। यहाँ देखिएगा डिप्लेटिंग टॉर्क क्या होता है, डिप्लेटिंग टॉर्क जो होता है वो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के, अर्थात यूँ कह सकते हैं इसका मतलब होता है समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कंडीशन से देख सकते हो तो इसका आंसर इसी से बनेगा। तो ये डिप्लेटिंग टॉर्क क्या होता है तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है करंट, करंट नहीं आएगा, करंट का वेग वर्ग, वेग भी नहीं आएगा, करंट का घन वर्गमूल, वर्गमूल देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा, घनमूल भी नहीं आएगा। तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर, तो करंट का वर्गमूल क्या हुआ? करंट का वर्गमूल, इसको वर्गमूल बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्योंकि स्क्वायर है तो वर्गमूल हो जाएगा, अतः डायरेक्टली समानुपाती होता है। ये कंडीशन होती है आपका डिप्लेटिंग टॉर्क का मतलब होता है, जो कि आपके यहाँ पर जो मीटर होता है उसकी जो निडिल होती है उसको चलाने का जो चलाने के लिए जो बल प्रयोग में लाया जाता है उसको डिप्लेटिंग टॉर्क कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट इसी क्रम में और आगे चलते हैं। तो डिप्लेटिंग टॉर्क आपको क्लियर हो गया होगा, वो निडिल चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा नीचे दिए गया कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में से एक वोल्टमीटर के रूप में कार्य करता है, कुशलतापूर्वक कौन सा कार्य करता है? इसका अगर बात करते हैं तो पहला दिया गया है टेकोमीटर। देखिएगा यहाँ बात करते हैं तो टेकोमीटर क्या करता है, अपना स्पीड मापता है। क्या मापता है? स्पीड, और स्पीड भी RPM में। किस में मापता है? RPM में। मान लीजिए मोटर है, जनित्र है, इनकी स्पीड मापना है, जो है आर्मेचर है उनका। तो यहाँ जो कंडीशन है उन आर्मेचर की स्पीड मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेकोमीटर का करते हैं। एक और होता है RPM मापने के लिए अपने मोटरसाइकिल वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है, वो होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो दोनों का प्रयोग यहाँ पर क्या होता है? सेम होता है, स्पीडोमीटर। देखिएगा यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका उपयोग भी अपन RPM मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिएगा इसमें तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा इसी में दे डायनोमीटर, डायनोमीटर। तो यहाँ पर AC और DC, AC और DC दोनों पर जो मापता है तो वो मापता अपना डायनोमीटर। कौन मापता है? डायनोमीटर। डायनोमीटर के अलावा अपने एक और है MI, जो मैंने अभी हाल में बताया था आपका, ये भी दोनों ही मीटर ऐसे हैं जो AC और DC दोनों का मेजरमेंट करते हैं। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें तो वह पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए हाई टेम्परेचर, जैसे भट्टी का हो गया, वात्या भट्टी ले ली, उसका टेम्परेचर मापना है, तो उसके लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा और सामान्य ताप के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, निम्न ताप के लिए निम्न ताप के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो निम्न ताप एल्कोहल तापमापी की सहायता से मापा जाता है। आगे मैं बताऊंगा देखिएगा इसी क्रम में आपको। तो यहाँ एक और क्लैंप मीटर, क्लैंप मीटर को अपन यहाँ टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। टोंग टेस्टर, टोंग टेस्टर की बात करते हैं तो क्लैंप मीटर आपका जो है टोंग टेस्टर होता है, इसी को ही क्लैंप मीटर कहते हैं। इसका निक नेम होता है आपका क्लैंप मीटर। क्या होता है? ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इस टाइप का एक मीटर होता है जिसमें बीच में यहाँ पर आपके लगा रहता है, यहाँ सारी की सारी कंडीशन होती है, यहाँ इस टाइप से आपके जो है क्लैंप पर लगा रहता है, और इसमें यहाँ बीच में वायर लगा दिया जाता है, यहाँ से टच हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस होती है, ये आकर पूरा बॉक्स होता है, यहाँ एक इसका ऑन ऑफ करने के लिए, इसको जबड़े को क्लैंप करने के लिए फैलाने के लिए होता है, यहाँ वायर लगा दिया जाए। अब वायर में जितना भी इसके द्वारा माप सकते हैं अपन, जैसे आवृत्ति कितनी है तो हर्ज में माप सकते हैं,
वोल्टेज कितने हैं वो माप सकते हैं, धारा कितनी है एम्पियर में वो माप सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ आवर्ती, वोल्टेज, धारा, ये सारी की सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस वगैरह सब माप सकते हैं। तो जितने भी अपन धारा, विद्युत धारा में प्रयोग में लाए जाते हैं वो सारे इसके से जिस पर सेट कर देंगे, और सेट करके आराम से जो भी मापना, धारा मापो, वोल्टेज मापो, या आवर्ती मापो, रेजिस्टेंस मापो, कुछ भी मापा जा सकता है। ये होता है टोंक टेस्टर, वो भी चालू लाइन में, बीच में डाल देते हैं तार को और उसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। ये होता है क्लैंप मीटर या टोंक टेस्टर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही रोटामीटर। रोटामीटर होता है, यहाँ पर एक द्रव की बात करते हैं तो द्रव के प्रवाह का जो बात करते हैं तो द्रव के प्रवाह का जो है वेग जो है मापते हैं अपन, किससे, यहाँ कंडीशन से ध्यान रखना, द्रव के प्रवाह, तो द्रव का मतलब लिक्विड, और उसके प्रवाह का जो वेग मापते हैं तो किससे मापते हैं, यहाँ पर रोटामीटर, किससे मापते हैं, रोटामीटर। ये सारे की सारी कंडीशन है। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन आया है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो एक एक क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसी क्रम में क्लियर कीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा सबसे पहला आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक ऐसा परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, वह एक परिपथ कहलाता है, तो कौन सा परिपथ कहलाता है वो, तो अनंत प्रतिरोध। मतलब यूं कंडीशन देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सर्किट के बारे में बेसिक कंसेप्ट बता, मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के रूप में मैंने बल्ब ले लिया, ये बल्ब का सिंबल है, और यहाँ मैं वायर ले रहा हूँ, इसमें आपके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ही बना रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने देखिएगा आपको ये फ्यूज तार लगा दिया, सुरक्षा के लिए क्या लगा दिया, फ्यूज तार लगा दिया। यहाँ मैं सोर्स के रूप में यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ कुंजी लगा देता हूँ मैं चालू बंद करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा कंडीशन साफ क्लियर कर लेना है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ध्यान देना की बात है, मैं इसी कुंजी को जो है चालू करूंगा और यहाँ इस कुंजी को चालू करूंगा, तो चालू करते ही आपके सामने यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये बल्ब प्रवाहित हो जल जाएगा, प्रचालित हो जाएगा। तो स्विच को ऑन किया ये, और ऑन करते ही यहाँ पर जो है ये प्रचालित हो गया। तो आपसे पूछा जाता है इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज्ड सर्किट की बात करता हूँ तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं क्लोज का मतलब होता है बंद परिपथ। और बंद परिपथ की बात करता हूँ तो उस पर क्लियर कर लेना है कि बंद परिपथ क्या होता है। और बंद परिपथ में यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान है, किसका प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, बंद परिपथ में प्रतिरोध का मान और धारा का मान दोनों के दोनों ही जो है किस पर, उपभोक्ता पर, कंज्यूमर्स पर, उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की बात करते थे जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वह सारे के सारे कंज्यूमर्स, उपभोक्ता या रजिस्टर कहते हैं उन्हें। तो यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया था उदाहरण के तौर पर, तो ये आपका इस पर होता है। अब इसमें के बाद आता क्लोज के बाद में आता है यहाँ पर ओपन सर्किट। मान लीजिए यहाँ बात करता हूँ ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट का मतलब होता खुला परिपथ। ओपन सर्किट का मतलब होता है खुला परिपथ। और खुला परिपथ की बात करता हूँ तो खुला परिपथ क्या होता है इसको देखेंगे अपन, यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, और या तो इसको स्विच को ऑफ कर दूँ तो भी खुला परिपथ हो जाए, किसी ने चूहों ने काट दिया, अपने स्विच को ऑन करने पर भी सप्लाई उपभोक्ता तक न पहुँचे, बल्ब जले नहीं, यहाँ पर हो गया ओपन। तो इस कंडीशन में देखिएगा बात करते हैं तो आपके यहाँ जो कंडीशन है अब क्लियर कर लेना, ये तो प्रथम वाली कंडीशन थी। दूसरी वाली कंडीशन में आपके अलग स्टेप होती है, कैसी स्टेप होती है पहला देखिएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो क्या होगा, धारा की बात करता हूँ तो क्या होगा, दो कंडीशन है। तो यहाँ ओपन हो गया तो बीच में हवा आ गई, और हवा का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अनंत। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत। देखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता, अनंत, और धारा का मान क्या होगा, जब प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा क्या होगी, जीरो, अर्थात शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। देखिएगा तो इसका आंसर आपके देखिएगा देर का है, तो इसे ये पूछा है कि वह कौन सा परिपथ है जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, तो आपको आंसर देना है ये है ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट को मतलब होता है खुला परिपथ, जिसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं खुला परिपथ। तो दोनों कंडीशंस क्लियर कर लेने, तो ओपन सर्किट का मतलब होता है खुला परिपथ, ये कंडीशंस आपको क्लियर होगी। दूसरा अगर आपसे बात करते हैं तो एक और होता है जो है कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट में अलग कंडीशंस होती है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। शॉर्ट की कंडीशन तो क्या होगी कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और यहाँ से मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, बीच में कहीं तार आपस में भिड़ जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता, क्या हो जाता, उस टाइम पर यह सुरक्षा युक्ति काम करती है, लेकिन फिर भी कंडीशन में ये शॉर्ट हो जाता, दोनों तार आपस में भिड़ गए,
अब दोनों तार भिड़ गए तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में यहाँ प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, जीरो, और धारा क्या हो जाएगी, अनंत। जस्ट ओपन सर्किट का विलोम कंडीशन आपके साथ में यहाँ हो जाएगी, यहाँ आपके ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ स्विच को ऑन करने पर शॉर्ट हो जाता हो, उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन। तो लघु पतन हो जाता जो निमी की भाषा में आपके काम में आता है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको लघु पतन। ये कंडीशन था। एक और होता ग्राउंड, देखिए यहाँ ग्राउंड का मतलब था अर्थ कर देते हैं, मान लीजिए ये नहीं है और यहाँ पर बोलते हैं देखिए ग्राउंड का मतलब अर्थ, तो अर्थ की कंडीशन इस टाइप से आ जाती है, या आपने अर्थिंग कर दिया मान लीजिए। अब अर्थ कर दिया तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, ये है अर्थ। तो भू संपर्कन की कंडीशन में तो इसमें जो है ना यहाँ पर प्रतिरोध और धारा दोनों या तो उपभोक्ता पर तो निर्भर करेगी करेगी, साथ में क्या है इस अर्थ पर भी निर्भर करेगी, तो इन दोनों पर निर्भर करता है। तो ये कंडीशन आपके हो जाता है। इसके बाद आता है एक और आता है जटिल परिपथ। और जटिल परिपथ की बात करते हैं तो किरचॉफ के नियम जो दिए हैं वो जटिल परिपथों पर आधारित है। किरचॉफ के नियमों की बात करते हैं तो उसमें एक धारा का नियम है और एक वोल्टेज का नियम है। तो धारा का नियम को आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या होता है, इसी क्रम में देखिएगा। तो धारा किसी भी संगम बिंदु की ओर से आने वाली धाराओं का मान संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के मान के योग के बराबर होता है, अर्थात इनका बीजगणितीय योग शून्य प्राप्त होता है। ये किरचॉफ का करंट लॉ है। देखिएगा यहाँ पर धारा नियम, जिसको अपन संधि नियम, बिंदु नियम भी कहा जाता है, जंक्शन नियम भी इसे कहते हैं। तो ये कंडीशन आप समझ सकते हो। एक वोल्टेज नियम है, किसी भी नियम है जो कि आता है कि किसी भी यहाँ पर सर्किट में आरोपित वोल्टेज उसके विभव पतन के बराबर होता है, अर्थात इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ के जटिल नियम होते हैं जिन्हें किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहा गया जटिल, जटिल का मतलब किरचॉफ के नियमों का संबंध है सीधा सीधा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैघर कास्ट तौर पर मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले मैघर क्या है तो आपको बताना, वो एक स्वयंभी जनित्र है। क्या है, स्वयंभी जनित्र है, आपको बता देता हूं। तो इसमें एक आपको जानना, घूर्णन कराने के लिए 160 आरपीएम पर घूर्णन कराया जाता है इसको। और जैसे 160 आरपीएम पर इसको गुणन कराया जाता है तो मैघर खुद जनित्र होने के कारण, क्या होने के कारण, जनित्र होने के कारण क्या स्टेप रहेगी यहाँ पर, ये कैसे कार्य करता है, इस स्टेप को देखना है। तो मैघर खुद जनित्र है, इतना इसे अलग से सप्लाई की, अलग से सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, अलग से इसे विद्युत सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इसको बाहर से कोई भी आउटपुट सप्लाई के रूप में नहीं दिया जाता है, इनपुट सप्लाई के रूप में नहीं दिया जाता है। परंतु यहाँ जब भी मैघर का अपन यूज करते हैं तो मैघर इसका नाम क्यों पड़ा है, इसलिए पड़ा मैघर, इसका मतलब है इसके द्वारा जो अपन रेजिस्टेंस मापते हैं। देखिएगा रेजिस्टेंस की सामान्य घटनाएं अलग अलग है, सामान्य प्रतिरोध को मापते हैं अपन यहाँ पर किससे, सामान्य प्रतिरोध को मापते हैं अपन ओम मीटर से, ठीक है। उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है या इंसुलेटर प्रतिरोध को मापा जाता है मैघर से, अज्ञात प्रतिरोध को मापा जाता है व्हीटस्टोन सेतु अर्थात पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो है मैघर, मैघर का नाम जो है यहाँ पर मैघर जो बना है ये प्रतिरोध मापता, लेकिन कौन सा प्रतिरोध मापता, मेगा ओम। अतः इसी मैघर को अपन क्या बोल सकते हैं, मेघो मीटर या मेघा मीटर के नाम से भी जाना जाता है, मेघा मीटर के नाम से भी जाना जाता है किसको, मेघर को। तो मेघर के द्वारा उच्च प्रतिरोध, इंसुलेटर प्रतिरोध या फिर शुद्ध हिंदी में आता है एक और वर्ड इसके लिए, रोधन प्रतिरोध को मापा जाता है। ये आपका होता तो कुछ अलग जो प्रतिरोध है, जब इसके लिए जब भी मापते हैं तो अपन क्या करते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा बहुत अधिक प्रतिरोध, पहला आंसर क्लियर हो जाएगा। बहुत कम प्रतिरोध केल्विन मीटर के द्वारा यहाँ पर मापते हैं, केल्विन सेतु मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो पावर लाइन में ग्राउंड, तो यहाँ पर वही मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध मापा जाता, तो ये पावर लाइनों के लिए ये आएगा आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स अर्थात वीट स्टोन सेतु। ये कंडीशन है। विभवांतर को अपन किसके द्वारा मापते हैं, ध्यान रखने की बात है, विभवांतर को अगर मापते हैं तो क्या मापेंगे, अरे वोल्टमीटर के द्वारा है ना, या पोटेंशियल मीटर के द्वारा, तो पोटेंशियल मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। देखिएगा ये था आपका, नेक्स्ट कंडीशन आगे देखते हैं क्वेश्चन से। समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए 10, 20 और 40 ओम के रेजिस्टेंसों के समतुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ा है तो इसका मतलब 1/RT होगा, ये फॉर्मूला होता है 1/R1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1/R2 हो जाएगा प्लस 1/
आर थ्री हो जाएगा, तो आर टू प्लस वन अपन आर थ्री ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आर टी ज्ञात करना, तो वन अपन यहाँ पर दस प्लस वन अपन यहाँ पर बीस प्लस वन अपन यहाँ पर चालीस, तो ये कंडीशंस हो जाती है। आप एलसीएम ले लो सीधा सीधा, चालीस आ जाएगा, यहाँ चार आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दो आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। सीधी कंडीशंस में अगर बात करते हैं तो ये कंडीशंस हो जाती है सात बटे चालीस, ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमें प्रतिरोध प्राप्त हुआ है वन अपन आर का, जो कंडीशन अपन के बता रहे हैं। तो वन अपन आर टी बराबर जो कंडीशन है सात बटे चालीस है, और अपन को इसको क्या करना पड़ता है, वज्र गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अपन को ज्ञात क्या करना है आर टी, तो ये आपके चालीस बटा सात हो जाता है, और इसका इसमें भाग देंगे तो अपन को रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाता है। जिससे देख कर देख लो, तो यहाँ पर आ जाता है सात पंजे पैंतीस, तो यहाँ आ जाएगा, ये काट देते हैं, तो पैंतीस का पाँच पॉइंट बच गए पाँच, तो यहाँ आपके कंडीशन सात पंजे पैंतीस का इससे मिला लो आपके कौन सा रहा, सेवन वन वाला आ जाएगा, सेवन वन वाला आप करके देख लीजिएगा पूरा, यहाँ पर ओम आंसर आएगा। तो ये कंडीशंस आपके आएगी, इस आधार पर आप निकाल करके देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ एक और बात बताता हूँ कि ये जो है आपके समांतर क्रम है, और समांतर क्रम को अपन यहाँ पैरेलल संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। समांतर क्रम को यहाँ पर पैरेलल संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये कंडीशन है, इसका उपयोग घरेलू वायरिंग, घरेलू लाइट में और रोड लाइट में, और इसके अलावा औद्योगिक लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि श्रेणी क्रम का उपयोग केवल सजावटी लाइटों के रूप में, दीपावली या त्योहारों पर इत्यादि, उत्सवों पर इत्यादि जगह पर किया जाता है। सीरीज में जोड़ देते हैं सभी रेजिस्टेंसों को, तो वो कंडीशन अलग होगी, जिसका मैं जिक्र आगे करूँगा। नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए होने वाला उपकरण कौन सा है, मतलब अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने में प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है, जैसे बिजली के इंसुलेशन केबलों में। तो देखिएगा केबल्स होती है, और केबलों को मापने के लिए बहुत अधिक, तो यहाँ पर अभी भी हाल में मैंने बताया था यहाँ कंडीशन है मैगर, और मैगर जो है उच्च प्रतिरोध मापता, तो इससे बनता अपना मेगा मीटर, जो कि अभी हाल में ही बताया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो अभी हाल में मैंने बता दिया था। इसमें और कोई नई चीज़ आई तो वो देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है टेकोमीटर, मैंने ऑलरेडी बताया था आरपीएम स्पीड में मापता है। एमीटर विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है, जिसे परिपथ में यहाँ पर बात बताता हूँ। तो एमीटर जो कंडीशन है विद्युत धारा को मापता है, यहाँ एक क्लियर कर लीजिए, जिसे सीरीज में लगाया जाता है परिपथ में, किस में लगाया जाता सीरीज में, जबकि वोल्टमीटर को अपन समांतर क्रम में लगाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सीरीज में अपन ने माप दिया है यहाँ पर कंडीशन से। और एक और होता है गैल्वेनोमीटर, जिसके द्वारा धारा एवं धारा की दिशा को मापा जाता है। यहाँ कंडीशंस और भी है जिनकी बात करते हैं, तो वोल्टमीटर आपका हो गया, जिसे समांतर क्रम में मापा यहाँ पर जोड़ा जाता है परिपथ में, विभव मापा जाता है इसके द्वारा, यह होता है आपका विभव मापी अर्थात वोल्टमीटर। डायनामोमीटर का आपको मैंने बता ही दिया था, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, जिसका आगे मैंने जिक्र कर चुका हूँ। नेक्स्ट अपन इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आपको देखना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को डॉट 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 देर का छूट देख रहे हो आप, तो ट्रांसफार्मर माना जा सकता है। पोटेंशियल शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीओटी, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब पोटेंशियल, यहाँ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसके द्वारा क्या मापते हैं अपन, तो पोटेंशियल का मतलब होता है, देखिएगा इसमें ऑप्शन से दे रखे हैं उसके आधार पर, ऑटो ट्रांसफार्मर का तो हो गया नहीं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर एक वेरिएबल होता है, क्या होता वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तनशील, अर्थात वो मान को ऑटो कम और ज़्यादा कर देता है, धारा और वोल्टेज को अप और ज़्यादा करने का कार्य वही करता है, वो भी आवश्यकता अनुसार निर्धारित नियत मान की। ये कंडीशंस होता है, तो ये एक वेरिएबल है जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपके स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अतः यहाँ पर ऑटो तो होगा नहीं, आयरन कोर, आयरन तो देखिएगा लगभग सभी में यूज आती है, आप जानते हो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, उसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि इसका शैथिल्य गुणांक, हिस्टेरेसिस जो फैक्टर है, शैथिल्य जो गुणांक है वो क्या होता है, लो होता है, निम्न होता है, इसीलिए जो है आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो है ये प्रयोग में लाई
जाती हैं। नेक्स्ट कंडीशन में बात बताऊं तो आपको आगे भी देख लेना है, क्लियर कर लेना है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका उपयोग ना होता, वितरण के लिए यहाँ पर वोल्टेज इसका आंसर होगा। वोल्टेज क्यों होगा? क्योंकि पीटी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल के द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्टेज। विभव यहाँ पर बात कर सकते हैं, विभव का मतलब होता वोल्टेज। तो वोल्टेज इसका आंसर होगा। करंट के लिए सीटी प्रयोग में लाया जाता है, सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो कि सीटी के लिए सीटी प्रयोग में लाया जाता है। ये कंडीशंस आपको देखनी होगी। अतः यहाँ पर मैंने बता दिया था ये करंट मापने के लिए यहाँ पर सीटी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल है। बिजली के स्टोव में यहाँ पर गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मेटल है। देखिएगा, इसका आपको ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो कि एस्बेस्टस का तो यूज होगा नहीं। अब बिजली के लिए तो इसका मतलब ये जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है? हीटर का। तो ऊष्मक उपकरणों के रूप में प्रयोग में लाया जाता, तो आपको याद अच्छे तरह से नाइक्रोम प्रयोग में लाया जाता है। और नाइक्रोम की बात करता हूँ तो नाइक्रोम क्या होता है आप जानते हो, ये होता है निकिल प्लस क्रोमियम का मिलकर के। देखिएगा, निकिल प्लस क्रोमियम मिलकर के आपके जो होता है ये कंडीशन है 80% और 20% से मिलकर के बना होता है। यहाँ नाइक्रोम अर्थात आपके यूँ लीजिएगा हीटर ले लो, या फिर आपके विद्युत इस्त्री ले लो, या फिर आपके गीजर ले लो, या आपके टोस्टर ले लो, या फिर ओवन ले लो, या आपके विद्युत केटली ले लो, या आपके निमंजक छड़ ले लो, मतलब जो भी ऊष्मा उत्पन्न करते हो उन सभी ऊष्मक उपकरणों में यहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। माइका का उपयोग अपन विद्युत इस्त्री में भी करते हैं, परंतु ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए तो नाइक्रोम का ही उपयोग किया जाता है। माइका जो है आपके मतलब होता है अभ्रक, और अभ्रक एक अपवाद है जो क्या होता है कि ताप का तो क्या है चालक है, परंतु विद्युत का क्या है कुचालक है। और विद्युत का कुचालक होने के कारण ही इसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है। कारण, क्योंकि विद्युत इस्त्री को गर्माहट तो चाहिए, तो गर्म तो होना चाहिए लेकिन करंट नहीं आना चाहिए, इसलिए कुचालक भी होना चाहिए। ये कंडीशन है। इसके बाद बैकलाइट जो होता है इसके स्विच और होल्डर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर बात बता रहा हूँ। नाइक्रोम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं तो पोर्सिलिन के इंसुलेटर डिस्क होते हैं ना खंभों के ऊपर, उनको बोलते हैं पोर्सिलिन, वो आपके इंसुलेटर डिस्क इसके बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा जो आज मैंने क्वेश्चन कराया है आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को इस तरह की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए भेजते रहिएगा, इसको शेयर करते रहिएगा। कारण, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे मैं हमेशा इस टाइप के वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। टेक्निकल हेल्पर का बैच भी न्यू स्टार्ट हो चुका है, वो 1 अगस्त से एक दूसरा और बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आओगे तो आपको सामान्य बैच और गारंटी बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर लैब मिलेगी, इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा भी रहेगी, हॉस्टल सुविधा भी है, पीजी भी है, रूम्स भी है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा क्लासरूम में ही प्रतिदिन एक टेस्ट रोजाना जो आए हुए हैं, टेक्निकल हेल्पर है, मेट्रो है, लोकोपाइट है या टेक्नीशियन है, ये पुराने एग्जाम में जो भी पेपर आए उसमें से पर डे प्रोजेक्टर की सहायता से वीडियो पर दिखा करके और रोजाना समझा करके एक पेपर हल कराया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी में बिठा करके 100 क्वेश्चन देख करके पर डे याद कराया जाएगा, उसके बाद में क्लासरूम में पर डे उनको क्वेश्चनों को पूछा जाएगा और समझाया जाएगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।